सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा था कि सैमसंग अपने बजट कैटेगरी में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि था सैमसंग गैलेक्सी A10s और अब आएगा सैमसंग गैलेक्सी M30s। तो सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में तो हम लोग पिछले कई दिनों से जानते ही हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और अभी सैमसंग गैलेक्सी M30s को वाईफाई सर्टिफिकेशन मिल चुका है और ये कन्फर्म हो चुका है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M30s आएगा यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। तो 6000 mAh की बैटरी आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s में यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सैमसंग का जो M सीरीज है वो बड़ी बैटरी के लिए भी यहाँ पर जाना जाता है। तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M20s और सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। ये जो वाईफाई सर्टिफिकेशन निकल के सामने आया है इसे आज ही रिलीज किया गया है और बताया जा रहा है कि आपको नेक्स्ट वीक सैमसंग गैलेक्सी M30s लॉन्च होते हुए दिखने वाला है, यानी कि जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आपको लगभग 27-28 तारीख तक सैमसंग गैलेक्सी M30s लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। इस फोन में आपको 4GB का रैम मिलेगा और 6GB का भी ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक्जिनोस का 9610 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो चिपसेट आप लोग जानते हैं कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 में ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का ही सेटअप मिलेगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, ना कि आपको पंच होल मिलेगा। तो अभी तक लग रहा है कि आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पंच होल डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 6000 mAh की बैटरी दे रहे एटलीस्ट वो लोग 20W या फिर 18W का फास्ट चार्जिंग देते, अभी भी सैमसंग आपको 15W का ही चार्जर यहाँ पर देगा। तो 15W का चार्जर एक फास्ट चार्जर तो है, लेकिन उतना भी फास्ट नहीं है जितना आज के टाइम में जो आपको वूक चार्ज 3.0 मिलता है और 20W का जो चार्जर मिलता है उससे पावरफुल उतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा फ़ोन को चार्ज करने के लिए। 6.4 इंचेस का आपको एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा, और यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होगा, आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। कैमरा इस फोन का काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है, हालांकि डुअल ही कैमरा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करे। तो लगभग 27-28 अगस्त तक मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन को लॉन्च हो जाना चाहिए, और जो डेट भी निकल के सामने आ रही है बस वही बताया जा रहा है कि 27-28 तारीख तक आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। देखते हैं कि सैमसंग इस स्मार्टफोन का कितना कमाल कर पाता है, क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी M40 था वो तो भाई इंडियन मार्केट में पूरी तरह से पिट के रह चुका है, और सैमसंग जब लाया था सैमसंग के एम सीरीज तो वो लोग बोल रहे थे कि सिर्फ ये ऑनलाइन बेस्ड स्मार्टफोन होगा, यानी कि सैमसंग के एम सीरीज के स्मार्टफोन सिर्फ आपको ऑनलाइन मार्केट में ही देखने को मिलेगा। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M40 इतना फ्लॉप हुआ कि उसे तो किसी ने ऑनलाइन बाय किया नहीं, तो इसलिए उसे सैमसंग ने ऑफलाइन में बेचना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M30s काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो और लोगों को यह स्मार्टफोन पसंद आए, मेन बात वही है। देखते हैं कि सैमसंग इस स्मार्टफोन के साथ कितना कमाल यहाँ पर कर पाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।